स्वास्थ्य के लिए जो हितकारी भोजन है उसका सेवन कर लीजिए, मौसम के अनुसार खाएं और भूख से न ज़्यादा भोजन कभी भी ना करें, थोड़ा सा कम खाएं तो वो लाभकारी रहेगा। सुबह उठ करके एक दो गिलास पानी गुनगुना पिए, इसको उषापान कहते हैं। गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू या थोड़ा सा शहद मिला करके पीने से ज़्यादा लाभ होता है। खाली पेट चाय कॉफ़ी वगैरह बिल्कुल भी ना पिए। मल त्याग करते समय दांतों को दबा कर भींच कर जो है मुंह बंद करके रखना चाहिए। मल त्याग करते समय कई लोग तो ब्रश वगैरह लेकर के भी बैठ जाते हैं टॉयलेट सीट में, वो खतरनाक है। और लैट्रिन करते समय मुंह खुला रखना भी हानिकारक है। सुबह मुंह में पानी भर करके ठंडे जल से आंखों में छींटे मारी है और अंगूठे में से मुंह में स्थित तालू की जो अंगूठे से सफाई कर लेना चाहिए। आँख नाक कान गले के रोग नहीं होते उससे। स्नान करने से पहले दोनों, जैसे हमने कहा कि पैरों के अंगूठों में थोड़ा सा, हाथ पैरों में थोड़ा सरसों का तेल की मालिश करते हैं तो कहा कि इससे नेत्र ज्योति कमज़ोर नहीं होती है और इससे जो है बुढ़ापा भी नहीं आता है। सुबह नंगे पांव हरे घास पर टहलने या आपको ऐसा कहीं मौका मिले तो इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है, इस शरीर को स्वस्थ प्रदान करने वाला है। सप्ताह में एक दिन यदि पूरे शरीर में तिल या सरसों का तेल का मालिश करते हैं तो इससे शरीर में ताकत और शक्ति की वृद्धि होती है। रात को सोने से पहले प्रत्येक बार भोजन करने के बाद दांतों के बीच फंसे के अन्नों को कणों को कुल्ला जरूर करने चाहिए। भोजन करने के बाद में टिश्यू पेपर से पोंछ करके नहीं निकल के भाग जाना। ब्रश ना भी करें मुंह में डाल करके पानी बार बार पूरा मुंह को साफ करके कुल्ला जरूर कर लेना चाहिए। नहाने के पानी में थोड़ा सा नींबू के बूंद निकाल कर टपका दें तो उससे पानी बहुत अच्छा बन जाता है। या नींबू को काट करके छोटे टुकड़े को थोड़ा सा 5 मिनट पहले डाल दें तो बहुत अच्छा रहता है। तो आपको नहाने के पानी के अंदर बाकी कोई सुगंधित द्रव्य की जरूरत नहीं है। यदि कोई बीमारी है तो नहाने के पानी में नींबू का पत्तों के साथ में नींबू काट करके या नींबू का पत्ता और फिर नीम के पत्ते को भी उसमें आप डाल सकते हैं। प्रतिदिन शौच करने के बाद में ही आप योगासन प्राणायाम नियमित रूप से करें, क्योंकि जैसा हमने बताया प्राणायाम और योग करने से आपका मन भी शांत रहेगा, तन भी ठीक रहेगा, आत्मबल भी बढ़ेगा। भोजन में बहुत ही सुपाच्य और सात्विक हल्का और रेशयुक्त पदार्थ अंकुरित अन्न फल और दलिया आदि का आप सेवन करिए और भोजन करते समय चबा चबा करके आप खाएंगे तो आप रोग से बचे रहेंगे। भोजन के बाद में कम से कम जो है 10 मिनट वज्रासन में बैठने की आदत डालिए और रात्रि को संभव हो तो भोजन के बाद थोड़े घूमने की आदत डालिए, बहुत आपके लिए लाभकारी हो सकता है। दिन में कम से कम लगभग 8 गिलास से 12 गिलास पानी, यानी कि लगभग 3 लीटर से 5 लीटर पानी के लिए, यानी 2.5 से 3-4 लीटर पानी के लिए ज़रूर पीना चाहिए। सदैव रीढ़ की हड्डी को सीधी रख करके बैठने का अभ्यास करिए और ज़मीन पर बैठ करके बिना सहारे के उठें। यदि आप ज़मीन में बैठे हैं तो बार बार टेढ़े होकर के सहारा लेकर के उठते हैं। यदि शरीर में ठीक ठाक है तो सहारा बिना लिए उठने के लिए आयुर्वेद में कहा है। यदि आयुर्वेद के हिसाब से योग के हिसाब से जीवन जीना चाहते हैं तो नाखूनों को बंदर बनने से बैठिए, छोटे रखिए, साफ रखिए और दांतों को कभी कई बार आदत होती है कहा कि नाखूनों को दांतों से कभी ना काटिए। खाने के दौरान पानी ना पिए, बीच में तरल पदार्थ कम है भोजन में तो थोड़ा थोड़ा पीजिए, नहीं तो खाने से कम खाने के 1 घंटे का बाद में और खाने से आधा घंटा पहले ही पानी पीना है, नहीं तो नहीं पीना है।